अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल यूट्यूब। और आई होप कि आप सब लोग फाइन होंगे। सो गाइस, आज के ट्यूटोरियल में आप लोगों को सिखाने वाला हूँ एस प्लस एच प्लस वाई मॉडर्न लेटर लोगो डिज़ाइन। तो गाइस, आप लोग को फुल एक्सप्लेन करके बताऊँगा कि आप थ्री लेटर लोगो को कैसे क्रिएट करेंगे, और वो भी बहुत ईजी मैथड के साथ। सो गाइस, मैंने यहाँ पर फ़िलहाल टू कलर जो ग्रेडियन है जो मैंने क्रिएट किए हुए हैं, और आपके जो फेवरेट कलर है आप उनको पहले क्रिएट कर लीजिए, उसके बाद आप उनको यूज़ कर सकते हैं बहुत इजी मेथड के साथ। सो गाइस, इसको अगर आप सिंपल रखना चाहते हैं तो सिंपल भी रख सकते हैं, अगर आप इसमें ग्रेडियंट कलर करना चाहते हैं तो वो भी आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। सो गाइस, आप मेरे वीडियो को इन्जॉय, और मैं मिलता हूँ वीडियो के लास्ट में। तो गाइस, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस लोगों को जो है मैं पॉलीगॉन की मदद से क्रिएट करने वाला हूँ। सो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पॉलीगॉन को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे उसको सिंपल जो है वो यहाँ पे मैं क्रिएट कर दूँगा। अब इसको यहाँ पे रोटेट कर दूँगा मैं। अब इन दोनों को सेलेक्ट करके इनको अलाइनमेंट करेंगे। इसकी एक और डुप्लीकेट लेयर बनाएंगे, गो टू एडिट कॉपी एंड गो टू एडिट पेस्ट इन प्लेस, और इसको भी रोटेट कर देंगे हम। इसकी एक डुप्लीकेट लेयर बना लेंगे यहाँ पे। ओके, दैट्स गुड। यहाँ पे एक और डुप्लीकेट लेयर। तो गाइज, आपने ये वाला स्केच जो है वो बिल्कुल इसी तरह जैसे कि मैंने आप लोग को एक्सप्लेन करके बताया कि आप इस स्केच को कैसे क्रिएट करेंगे, आपने बिल्कुल सेम ऐसा ही सेम टू सेम जो है वो क्रिएट कर लेना है, और उसके बाद आप इसको इजी मेथड के साथ अपने लोगों को जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। सो गाइज, चलें स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपको लगे कि इसका लाइन का साइज़ बड़ा है तो यहाँ से आप इसको छोटा भी कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें, ओके दैट्स गुड। अब इनको सेलेक्ट करेंगे और शेप टूल को लेंगे यहाँ पर, बिल्डर टूल, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आप लोग को बता देता हूँ कि थोड़ा सा कि मुझे अब याद आ गया, इसको मैं जब टच करने लगा तो मुझे ये मैसेज आया था, कमेंट में आया था कि सर ये जो बिल्डर शेप टूल है, ठीक है, इसको कीबोर्ड के साथ हम लोग कैसे सिलेक्ट करेंगे। तो भाई, इसको सिलेक्ट करने के लिए आपने क्या करना कि यहाँ पे मैं, आप देखें कि यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया हुआ है यहाँ पे सिलेक्शन टूल को, तो इसकी शॉर्टकट कमांड क्या है कि वो मैं आपको बता देता हूँ कि आप इसको, अगर आप खुद यहाँ पे नहीं इसको जाके जो है वो सिलेक्ट करना चाहते तो अपने कीबोर्ड से आपने क्या प्रेस करना है, शिफ्ट प्लस एम को प्रेस करेंगे तो आप बिल्डर शेप टूल को सिलेक्ट कर लेंगे। तो इसकी शॉर्टकट कमांड क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ही आप कर्सल को अपने बिल्डर शेप बिल्डर टूल पे लेके आएंगे तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे जैसे ही वो नीचे पट्टी नज़र आ रही है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि इसकी शॉर्टकट कमांड है शिफ्ट प्लस एम। तो गाइस, आपको मैं इसकी शॉर्टकट कमांड इन टूल्स की बता देता हूँ। यहाँ पे जैसे ही आप अगर पेन टूल को सेलेक्ट करेंगे तो पी को प्रेस करेंगे सिंपल, और जैसे जैसे सिलेक्शन डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को प्रेस करेंगे तो ए को प्रेस करेंगे तो आप इसको जो है वो कीबोर्ड से भी सेलेक्ट कर लेंगे। तो भाई, इस पर आप कर्सर लेके आएँ तो आपको पता चल जाएगा कि इसकी शॉर्टकट कमांड क्या है। तो यहाँ पर उसने लिखा भी हुआ बाकायदा कि इसकी शॉर्टकट कमांड है शिफ्ट प्लस एम। तो अगर आप इसको ऐसे सेलेक्ट करना चाहते हैं, अपने कीबोर्ड से डायरेक्ट करना चाहते हैं, तो आप अपने कीबोर्ड से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो अब आई होप कि आपका मसला जो है वो सोल्व हो गया होगा, अब आपको सेलेक्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अगर आपके कोई और क्वेश्चन, आपका कोई और क्वेश्चन है इसको लेके इलस्ट्रेटर को, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो गाइस, चलिए अपने लोगों की तरफ बढ़ते हैं। काफ़ी टाइम ले लिया आपको, सॉरी। वो मुझे एक्चुअली मैसेज आया था कि सर इसको सेलेक्ट करने के लिए शॉर्टकट कमांड क्या है, तो शायद उनको नहीं पता चला होगा। तो आप क्या करेंगे, कर्सल को लेके आएंगे तो आपको लेकर मैं बकायदा आपको बता देता हूँ। अपने कीबोर्ड से आपने क्या प्रेस करना है, शिफ्ट को प्लस कर प्रेस करके आपने एम को प्रेस करना है तो आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे। मैं आपके सामने एक बार कर भी देता हूँ।
जैसे कि मैंने इसको सेलेक्ट किया और शिफ्ट प्लस एम को मैंने प्रेस किया तो इस पर इसको बिल्डर शो बिल्डर टूल को जो है मैंने सेलेक्ट कर लिया। तो चलिए अब अपने लोगों को स्टार्ट करते हैं। तो लोगो आज का हमारा क्या है, एस एच वाई। ओके थोड़ा सा जूम और कर लेते हैं यहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। कोई कलर भी यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से इसको आपने क्या करना है गाइस, स्टार्ट कर लेना यहाँ से। ये काफी नीचे आ गया, यहाँ तक इसको ले आता हूँ यहाँ तक। पहले हम एस को कर लेते हैं क्रिएट यहाँ। अब गाइस आपने क्या करना है, इसको नीचे ले आए ऐसे। अगर आप इसको ऐसा रखना चाहते हैं तो ऐसे रख ले, अगर इसको ऐसे रखना चाहते हैं तो ऐसे भी आप रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग अपने लोगों को कैसे क्रिएट करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको ऐसे ही रहने दूँगा ऐसे। ठीक है, तो एस जो है हमारा क्रिएट हो गया। अब हमने एच को करना है, तो एच को आपने बिल्कुल ऐसे ही क्रिएट कर लेना है जैसे कि मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे इसको एच को आपने क्रिएट कर लेना है। अब हमारा रह गया है क्या, वाई। वाई रह गया, तो वाई को आपने कैसे क्रिएट करना है ये आपने देखना है। यहाँ से आपने इसको क्रिएट करना है यहाँ तक, ये आपने ए बिल्कुल इक्वल रखना है इसके ऑपोजिट। ठीक है, इसको आगे पीछे करेंगे तो उसकी शेप ख़राब हो जाएगी। सो इसलिए आप लोगों को एक्सप्लेन करने का मकसद यही है कि आप लोगों को पूरा बिल्कुल पता चल जाए। तो ये आप देख सकते हैं, अब बीच वाली स्पेस को हमने फिल करना है। तो गाइस आप इसको जितना हो सके जूम करके क्रिएट कीजिएगा कि आपकी कोई चीज़ यहाँ पे छूट ना जाए। ये छोटी छोटी होती हैं चीज़ें। ये इस पे थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको फिल करने में, एक्चुअली ये काफ़ी ब्रिकी वाला है सो इसलिए। तो वो हमारा एस जो है यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब हमने करना है एच को। वैसे एच जो है मेरा स्माल जो है वो आज क्रिएट हो गया, बट खैर कोई बात नहीं, ये भी अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। गाइस जल्दी कर रहा हूँ कि आप लोगों का टाइम ज़्यादा ना दे सकूँ। तो गाइस आप चैनल पे पहली बार तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। लाइक भी कीजिएगा वीडियो को। अगर इस लोगों को लेकर या कोई भी आपको इलस्ट्रेटर के सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम है या कोई चीज़ आप लोग पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ग्राफिक डिज़ाइनिंग को लेके आपके बारे आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन है आप मुझे मुझसे पूछ सकते हैं। अगर किसी टूल के बारे में या किसी कमांड के बारे में पूछा है तो वो भी आप पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि मेरा मकसद ही आप लोगों को एक ग्राफिक डिज़ाइनर एक लोगो मेकर बनाना मेरा काम है। सो मैं आप लोगों को इंशाल्लाह लेकर साथ चलूँगा कि आप लोग फुल एक्सपर्ट हो जाएं इस काम में। तो गाइस आप देख सकते हैं मेरा, जैसे कि मेरा यहाँ पे लोगो जो है वो बिल्कुल फाइनल हो चुके हैं। अब इसकी करेंगे हम लोग डुप्लीकेट। आप सोच रहे होंगे सर ने क्या करनी है डुप्लीकेट, इसकी मुझे नीड भी पड़ सकती है इसलिए मैंने इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ। अब गाइस हमारा लोगो यहाँ पे जो है वो बिल्कुल क्रिएट हो गया। अब एक बार इसको जूम करके देख लेता हूँ कि भाई कहीं से कुछ रह तो नहीं गया, इंशाल्लाह कोई चीज़ नहीं रहेगी। अब गाइस हम क्या करेंगे, इसको इस वाले को करना था तो अब गाइस इसको करेंगे हम लोग अनग्रुप करेंगे। ठीक है, अब इसको करेंगे सिलेक्ट और एक साइड पे ले जाएंगे और एक्स्ट्रा लाइंस को रिमूव कर देंगे।
गाइस आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त यह हमारा लोगो यहाँ पे जो है वो क्रिएट हो चुका है। अब इसकी थोड़ी सी स्पेस को फिल कर लेंगे, अगर आपने ऐसे रखना है तो रख सकते हैं। ओके यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट है। गो टू ऑब्जेक्ट, इसको एक्सपेंड कर देंगे और आप इसको पॉथ फिल्टर कर देंगे। ओके डेट्स गुड। तो गाइस आप देख सकते हैं मेरा लोगो यहाँ पे जो है वो बिल्कुल फाइनल हो चुका है। सो आप इसको कोई ग्रेडिएंट कलर दे देते हैं, ये वाला दे देते हैं या ये वाला, कोई भी आप दे दें कोई मसला नहीं। अब यहाँ पे एक बैकग्राउंड हम क्रिएट करेंगे, ब्लैक भी फ़िलहाल मैं करूँगा, बाद में चेंज करना हो तो कर लूँगा। आप भी जो आपका फेवरेट कलर है आप उनको पहले क्रिएट कर लेंगे, उसके बाद आप यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस इस लोगों को लेके कोई भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। अगर गाइस आपको ग्रेडिएंट कलर करना है इसमें तो ग्रेडिएंट कर सकते हैं, अगर आप इसको सिंपल रखना चाहते हो तो सिंपल भी रख सकते हैं, जैसे कि ये वाइट। ओके ये भी अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे अब यहाँ पे हम लोग इसका नाम लिख लेते हैं नीचे, या आप अपनी कंपनी का यहाँ पे स्लोगन वगैरह जो है वो लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको ले आऊँगा नीचे। गाइस आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने लोगों को कैसे क्रिएट करना चाहते हैं। आई मीन के क्रिएट तो बिल्कुल ऐसे ही आप कीजिएगा, मुझे ये सबसे बेस्ट आइडिया जो है वो लगा है, और यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त ज़्यादा खूबसूरती जो है वो यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब डिपेंड आप लोगों के ऊपर करता है कि आप इसको कलर कौन सा देना चाहते हैं, वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको ग्रेडिएंट कलर करना चाहते हैं या आप इसको सिंपल कलर करना चाहते हैं, वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। आप जो जैसे चाहें कर सकते हैं। अब इसमें मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताता हूँ, यहाँ पर आप रेड कर लें, यहाँ पर भी रेड कर लें, बीच में आप जो है वो इसको ब्लैक रहने दें और बैकग्राउंड जो है वो वाइट रहने दें। अब आप लोगों की मर्ज़ी है कि आप इसको कैसे करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मेरा लोगो जो है वह बिल्कुल फाइनल हो चुका है, आज का आज की वीडियो में मेरा लोगो जो है यहाँ पे फाइनल हो चुका है। सो गाइज आई होप कि इस तरह का लोगो क्रिएट करने में आप लोगों को कोई टेंशन नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे पहली बार तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।